वज़ीर-ए-आला की ज़ेरे सदारत एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास एलडीए वासा और टीपा का बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। एलडीए ने 12.5 अरब और वासा ने 16 अरब रुपए का बजट पेश किया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। शेख ज़ैन, कहिएगा इस बजट से मुतालिक। जी, जब से नई हुकूमत आई है उसके बाद आज एलडीए गवर्निंग बॉडी का बजट के हवाले से पहला इजलास हो रहा है और इस इजलास की सदारत भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कर रहे हैं, जबकि उनके साथ सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूदुर रशीद, वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान, डीजी एलडीए आमना इमरान खान, इसके अलावा एडिशनल डीजी राना अब्दुल शकूर, राना टिक्का खान समेत जो 9 मुंतखब मेंबरान गवर्निंग बॉडी हैं एलडीए के, वो भी आज के इस इजलास में मौजूद हैं। आज का इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि जो तब्दीली हुकूमत है वो आज के इस इजलास में इस अमर का फैसला करेगी कि आइंदा माली साल में लाहौर में कौन कौन से तरक्याती प्रोग्राम होंगे। इस सिलसिले में तो लाहौर न्यूज़ को एजेंडे की कॉपी मौसूल हुई है, उसमें तो ये चीज़ सामने आ रही है कि आज के इजलास में जो एजेंडा पेश किया जाएगा अगर उसको मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया जाता है तो लाहौरियों पर पानी का बम गिरा दिया जाएगा, क्योंकि पानी के नर्ख बढ़ाने का जो एजेंडा है वो सामने आया है। इस सिलसिले में वासा की जानिब से ये एजेंडा पेश किया जा रहा है कि लाहौर शहर में जो घरेलू और कमर्शल सार्फिन है उनके पानी के टैरिफ में 50% तक इजाफा कर दिया जाए, यानी अगर किसी के घर में इस वक्त 300 रुपये महाना बिल आ रहा है तो वो 450 रुपये महाना बिल अदा करेगा। इसके अलावा दीगर जो एजेंडा है उसके हवाले से बात की जाए तो एलडीए आज 12.5 अरब रुपए का तरक्याती और गैर तरक्याती बजट, जबकि वासा 16 अरब रुपए का तरक्याती और गैर तरक्याती बजट पेश करेगा। इसके अलावा जो बोतल फरोख्त करने वाली पानी की बोतल फरोख्त करने वाली कंपनियां हैं उनसे भी फी लीटर 1 रुपया चार्ज वसूल करने का जो एजेंडा है वो आज के इस गवर्निंग बॉडी के इजलास में शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल पंप स्टेशन जो इस वक्त पानी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी जो कमर्शियल टैरिफ है वो रिवाइज करने का एजेंडा शामिल है। दूसरी जानिब देखा जाए तो एलडीए की जानिब से जो एजेंडे पेश किए जा रहे हैं ठीक है, एलडीए ने वासा और टीपा का बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैन आपका।